समाजवादी पार्टी महानगर इकाई की बैठक रविवार को पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान और संदेश को घर घर पहुंचाने पर चर्चा हुई और कहा गया कि सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेशों को अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर बताएंगे। इस दौरान लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने कहा, जो एक विश्व स्तरीय स्टेडियम क्रिकेट भी बनाया गया था, आज इसको नाम क्या नाम दिया जाता था, जो हम लोग के स्तर के हैं वो आपका साथ देते हैं, लेकिन बहुत ऐसे साथी हैं जो चाहते हुए निष्पक्ष न्याय नहीं दे पा रहे थे। चौथा स्तंभ है, उसको भी आपको गांव में बताना होगा और कहीं ना कहीं ऐसे करंटों के द्वारा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। गलती हो गई हम लोग से, जो हम लोग भटक गए थे, हम लोग समाजवादी के साथ रहे, आज क्यों आप कर रहे हैं, क्योंकि यार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब थाने में जाते थे उनका सम्मान होता, उनको न्याय दिला लेते थे, वो कहते थे कि जब हम देखते हैं दौड़ा कैसे तुम्हारे साथ भेदभाव करेगा, हम तुमको न्याय दिला। राजनीति में पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, कार्य बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है और कार्य के बल पर ही राजनीति में पहचान बनाई जाती है। कल 10:30 बजे राजे साथी गांव के सुन में, कल 10:30 बजे जितने लोग आज बैठक में आए हैं इतने ही लोग नगर निगम 10:30 बजे आ जाएंगे और कल एक टोपी लाल जरूर होनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी की पहचान और क्रांति का भी प्रतीक। किसी दिन भाजपा के विधायक के दरवाजे पर भी और गोरखपुर के सांसद के दरवाजे पर भी समाजवादी पार्टी अक्रांत होकर जिम्मेदार होकर जियाउल इस्लाम महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर। आज समाजवादी पार्टी की अति आवश्यक बैठक पार्टी कार्यालय बेतिहाते में बुलाई गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आह्वान पत्र हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे भारत की सरकार जो लगातार जन विरोधी कार्यों को कर रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, किसानों के ऊपर दो दो मार पड़ रही है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया जा रहा है और लगातार जो इस देश की सरकार है वो केवल हर मोर्चे पे फेल हो रही है, चाहे वो विदेश नीति हो चाहे रोजगार का सवाल हो। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। इस बेलगाम की सरकार के खिलाफ हम लोग गांव-गांव जा करके सरकार के पोल खोलने का काम करेंगे।